हेलो इंजीनियर्स, 300% दी। तो आज आपके लाए हैं एक डिस्क, आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और इसी डिस्क पर आप कोई भी साउंड इस पे इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब आपका खुद का डिस्क बना सकते हैं और इसका जो प्लेयर है वो भी आप खुद बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से आसानी से एक डिस्क बना के इस पर साउंड इंक्लूड करके हम लोग सुन सकते हैं। तो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था डिस्क के ऊपर, तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो किस प्रकार से एक डिस्क बना के हम लोग इस पर गान इंक्लूड कर सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में किस प्रकार से काम करते हैं, इसका एक डेमो मैंने इस पे बनाया है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से एक्चुअली में ये काम करते हैं। तो यहाँ पे एक आर्डिनो हमने लगा दिया है। आर्डिनो का जो आउटपुट है, आउटपुट हमने D11 पे लगाया है, आपको D11 पे ही लगाना होगा। और इसका जो प्रोग्रामिंग है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो पहले हम लोग इसका हार्डवेयर देख लेते हैं। तो D11 से हमने एक ट्रांजिस्टर की मदद से, मतलब NPN ट्रांजिस्टर की मदद से हमने इस स्पीकर पे वोल्टेज अपग्रेड किया है, ठीक है। तो अभी इसका जो इनपुट है, यहाँ पे एक सेंसर है, मतलब IR रिसीवर और IR सेंडर, और यहाँ पे भी एक IR रिसीवर एक IR सेंडर है, ठीक है। तो दो हमने इनपुट लिया है, दोनों से इनपुट लेके इस पे डाल दिया है, मतलब D2 और D3 पे। तो इसी प्रकार से हमने इसका प्रोग्रामिंग किया है, जब भी D2 पे कोई सिग्नल आएगा तो ये एक प्रकार का आउटपुट देगा, और D3 पे अगर कोई दूसरा सिग्नल आएगा तो और एक प्रकार का आउटपुट देगा। तो इसी तरह आप और भी ज़्यादा लगा सकते हैं, मैं आपको अभी डेमो दिखाते हैं। तो जब भी इसके ऊपर हाथ लाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके साउंड आएगा। तो देखा आपने, अलग अलग साउंड इसमें आ रहा है। तो जब भी दोनों पे आ रहा है तो दूसरा साउंड आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसका साउंड हमने बनाया है। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने इस डिस्क को बनाया है, जो आप डिस्क आसानी से घर पे बना सकते हैं और डिस्क पर कोई भी साउंड आप डाल सकते हैं, मतलब आपका खुद का डिस्क का साउंड होगा। तो अभी चलिए डिस्क का जो सर्किट है उसको हम लोग इसी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। तो अभी हम लोग सीडी डिस्क को देखते हैं किस प्रकार से इस पर हमने जो कि साउंड इनपुट किया है। तो मैंने जो कि IR रिसीवर और IR सेंडर जो है वो मैंने इस पर तीन हमने लगा दिया है। तो तीनों को अलग अलग ब्लैक कलर से हमने इस पर ढक दिया है। जब भी इस पर रिफ्लेक्ट करेगा, जहां पे आके रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे साउंड होगा। तो आप इसको जो कि साउंड के हिसाब से आपको इसको लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको लगा सकते हैं तो आप भी आसानी से एक डिस्क बना सकते हैं। तो अभी चलिए इसका जो प्लेयर है वो हम लोग इसको लगा के देखते हैं। Oh, 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 oh
पहले हम लोगों को एक वॉयस लेना होगा, तो मैं ये बीट जो है इसको ले लिया, इस वॉयस को हम ले लिया, तो इसको डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करना होगा ऑडासिटी को, ओपन करना होगा। तो ये ओपन हो रहा है, तो जब भी ये ओपन हो जाएगा तो वही वॉयस को हम लोगों को इस पर लाना होगा। फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करके ला सकते हैं या फिर इंपोर्ट करके भी ला सकते हैं। तो ऑडियो पे क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, जाने के बाद जो वॉयस हमने अभी सिलेक्ट किया है जैसे कि ये वाला, इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया है। और इसी वॉयस को हम लोग अलग अलग साउंड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए यहाँ से सिर्फ इतना हम लोग को चाहिए, ठीक है, तो इसी बेस को हम लोग ओपन करेंगे। तो ये प्ले करने के बाद एक बेस इसमें सिलेक्ट हो रहा है, तो इसी बेस को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाना होगा, जाने के बाद 16 बिट पीसीएम पे क्लिक करना होगा। तो ये पीसीएम हो गया है, और अभी नीचे का जो हार्ड है इसको हम लोग 8000 करेंगे। करने के बाद हम लोगों को इसको सेव करना होगा, तो फाइल पे जाएंगे, जाने के बाद एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट MP3 करना होगा। MP3 करके हम लोगों को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे बेस 1 करके। तो अभी सेव, ओके, तो सेव हो गया है, होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लस करने के बाद यहाँ पे देखिए बेस 1 नाम इस पे आ गया है। तो अभी इसको हम लोग डिजिटली कन्वर्ट करेंगे, करने के लिए हम लोगों को ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करना होगा। तो एनकोड ऑडियो जो है इसको ओपन करेंगे और बेस 1 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये पेज ओपन हो जाएगा, और बेस को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। करने के बाद ये जो कि कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखा दिया है, अभी ये कॉपी हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग को सिर्फ पेस्ट करना होगा, तो पेस्ट करने के लिए इसको ओके कर दिया। अभी हम लोग आर्डिनो को ओपन करना होगा, तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो गया है, तो अभी हम लोगों को स्केच पे जाना होगा। इंपोर्ट लाइब्रेरी पे जाने के बाद मैनेज लाइब्रेरी, तो हम लोगों को मैनेज लाइब्रेरी पे जाके क्लिक करना होगा। तो ये मैनेज लाइब्रेरी ओपन होगा, होने के बाद इस पर कुछ डाउनलोडिंग होगा, होने के बाद हम लोगों को इस पे लिखना होगा पीसीएम। तो पीसीएम लिखने के बाद आप लोगों को पीसीएम दिखाई देगा, तो जब भी नीचे आएंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे पीसीएम लिखा आ रहा है, तो इसको जस्ट हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी ये इंस्टॉल हो गया, देखिए पीसीएम इंस्टॉल्ड, तो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी इसको क्लोज कर देंगे और फाइल पे जाएंगे, जाने के बाद एग्जाम्पल पे जाएंगे, जाने के बाद पीसीएम को हम लोग को ओपन करना होगा। तो नीचे आने के बाद हम लोग को मिल जाएगा पीसीएम, पीसीएम यहाँ पे आ गया है, तो प्लेबैक, तो प्लेबैक पे हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो कोड आ रहा है, इस कोड को हम लोग डिलीट कर देंगे, यहां से यहां तक डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कर दिया, अब ये इस पर हम लोग हमारा जो कॉपी हुआ है, जो थोड़ी देर बाद हमने कॉपी किया था, जो फाइल मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, ये जो एनकोड ऑडियो है इसको ओपन करने के बाद जो आ रहा है बेस 1 पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये कॉपी देखिए यहाँ पे कॉपी आ गया है, सिर्फ हम लोग को पेस्ट करना होगा। तो अभी इस पर पेस्ट कर देंगे, तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे पेस्ट आ गया है। तो जो ऑडियो हमने कन्वर्ट किया है वो डिजिटली कन्वर्ट होके इसमें पेस्ट हो गया है। तो अभी इसको जस्ट अपलोड कर देंगे, तो अपलोड करने के लिए आर्डिनो को फिट करना होगा, तो आर्डिनो का कनेक्शन करते हैं हम लोग। तो अभी आर्डिनो का कनेक्शन हो गया है, तो अभी इसको जस्ट अपलोड कर देंगे। तो अभी इस पे अपलोड कर दिया, तो ये अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिक रिसेट बटन पे क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा, और नहीं तो आप आसानी से इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं वॉयड लूप पे जाके। तो अभी देखिए जब भी इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने के बाद ये बेस आ रहा है इस पे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बढ़िया एक गैजेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे लगा रखा है, जो कि जो एम्पलीफायर है इसका वॉल्यूम कंट्रोल है, जो स्पीकर पे आउटपुट होगा उसका वॉल्यूम कंट्रोल। तो यहाँ पे आर्डिनो से हमने इसका प्रोग्रामिंग किया है, और यहाँ पे जो कि IR सेंडर और IR रिसीवर हमने लगाया है, जिसके मदद से डाटा कलेक्ट करेगा, और आर्डिनो की वजह से वो डाटा को साउंड में कन्वर्ट करके यहाँ से आउटपुट करेगा। तो अभी मैंने 2 डिक्स बनाया है, तो आप देख सकते हैं 2 अलग अलग डिक्स है, मतलब अलग अलग साउंड के लिए। तो पहला मैं एक डिक्स लगा के आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे लगा दिया देखिए, तो अभी इसके ऊपर का जो मैग्नेट है उसको लगा देंगे, उसके बाद हम लोग इसको ऑन करेंगे तो देखिएगा ये साउंड आएगा, तो ये घूमने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो पॉइंट आ रहा है उसके हिसाब से इसका साउंड आ रहा है, तो इसका साउंड जो है वो बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रहा है। अगर आप चाहे तो इसका साउंड भी आप अलग अलग साउंड से कर सकते हैं। तो अभी दूसरा सीरी हम लोग लगाएंगे, तो फिर से प्ले।
तो इसको घुमाएंगे थोड़ा, तो देखिए ये जो भी घूम रहा है तो घूमने के साथ साथ इसका साउंड भी चेंज हो रहा है, तो ये अलग साउंड है। तो इस तरह से हम लोग सीडी डिस्क भी बना सकते हैं और प्लेयर भी बना सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से आप घर पे एक सीडी प्लेयर बना सकते हैं और सीडी भी बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।